सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 6 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी की राजस्थान सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2024 को जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार खाली पद माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में नए रेट के लिए फायदा हो सकता है, सेकंड ग्रेड के लिए भी हो सकता है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हो सकता है। तो वर्तमान में आज की तारीख में 6 अप्रैल 2024 तक माध्यमिक शिक्षा में खाली पद फर्स्ट ग्रेड 21,121, अब 21,121 में से करीब 12,000 पद डीपीसी के माध्यम से शिक्षा विभाग भरेगा, बाकी 9,000 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरेगा। और जो न्यूज मिल रही है, करीब 5,800 पदों पर भर्ती का नई फर्स्ट ग्रेड 2024 का प्रपोजल शिक्षा विभाग ने सरकार को भेज रखा है। जैसे ही अनुमति मिलती है, आचार संहिता के बाद करीब 5,800 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी। सेकंड ग्रेड के 33,104 पद खाली, तो नई सेकंड ग्रेड भी अच्छे खासे पदों पर आएगी। इसके अलावा थर्ड ग्रेड के माध्यमिक शिक्षा में 29,272 पद खाली, लेकिन दोस्तों ये दिसंबर 2023 तक के आंकड़े हैं थर्ड ग्रेड के, तो इसमें काफ़ी पद भी भर चुके हैं, फिर भी करीब 15,000 के आसपास पद रहेंगे। इसके अलावा 30,000 पदों पर डीपीसी भी बाकी है, तो इस तरह थर्ड ग्रेड के भी करीब 50,000 के आसपास पद हो जाएंगे। खाली पदों का विवरण। इसके अलावा सरकार का बड़ा बयान, 2023-24 में इतने पदों पर हुई नियुक्ति, फर्स्ट ग्रेड 3,501 पदों पर, सेकंड ग्रेड 5,740 पदों पर, पीटीआई 4,331 पदों पर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 6,579 पदों पर। टोटल शिक्षा विभाग में 26,317 पदों पर भर्तियां हुई। सेकंड ग्रेड के 33,104 पद खाली, इसके अलावा 7 से लेकर 8,000 पद प्रारंभिक शिक्षा में भी है। और इसके अलावा थर्ड ग्रेड के 29,272 माध्यमिक शिक्षा के हैं, इससे ज्यादा पद प्रारंभिक शिक्षा में खाली है। इस तरह टोटल 143,166 पद फिलहाल शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड अन्य के पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड के 21,121 पद खाली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, रीट और सेकंड ग्रेड पेपर आउट पर बड़ा बयान, गहलोत और डोटासरा को जेल में चक्की चलानी पड़ेगी। अ ग्रेट पॉलिटिकल थिएटर, मौजूदा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा में जुबानी जंग। डोटासरा जी व गहलोत साहब, सुन लो, ईडी जल्द ही आपको जेल में केजरीवाल से मिलवाएगी। इधर डोटासरा का बयान, दिलावर जी तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, प्रदेश का दुर्भाग्य कि वे शिक्षा मंत्री है। रीट पेपर आउट हुआ था 2021 वाले भर्ती का, सेकंड ग्रेड का भी आउट हुआ था, उसी को लेकर वर्तमान शिक्षा मंत्री ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया है। वर्तमान समय में पटवारी के 3800 पद खाली, तो नई पटवारी की भर्ती करीब 3800 के आसपास पदों पर जारी होने की संभावना। किसान और युवाओं को परेशान करने वालों को चैन से नहीं रहने देंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। हमने पेपर लीक से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है, अब इसकी साजिश करने वाले पकड़े जाएंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, बोर्ड ने 12 साल से नहीं बढ़ाया परीक्षा ड्यूटी व कॉपी जांचने का मानदेय।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। प्रदेश के 16 विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी वरिष्ठ शिक्षकों को सौंपने की तैयारी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। एमजीएस विश्वविद्यालय पीजी की परीक्षाएं 25 अप्रैल से, सीएचओ भर्ती की उत्तर कुंजी जारी, आपत्ति 9 अप्रैल से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। बीकानेर के 33 स्कूलों में हुई जीवन कौशल आकलन परीक्षा इग्नू, अब असाइनमेंट 30 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट व थर्ड के लिए आवेदन 8 तक। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्जी डिग्री मामला, विश्वविद्यालय ने फरवरी में ही बता दिया था दोनों डिग्री जारी नहीं की। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती दोनों महिला अभ्यर्थियों ने होमगार्ड की नई भर्ती जल्द होगी। डीआईजी यूआर भामू, हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा। आरआरबी 9,144 पदों पर होनी है भर्ती। सीबीएसई 118 पदों के लिए हो रही परीक्षा। असिस्टेंट सेक्रेटरी अन्य स्वर्ग भर्ती में दिव्यांगों को अड़चन। पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव की आचार के चलते अटके बिल। 1148 बेरोजगारों को 5 महीने से नहीं मिल रहा है भत्ता। श्रीगंगानगर महात्मा गांधी राज्य के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सन से बंद हो सकते हैं 50% विद्यालय। यहां पढ़ाने के लिए शिक्षकों को दोहरी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। प्रिंसिपल शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा में उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर नकल करवाई। बांसवाड़ा साइंस के 2,50,000 अभ्यर्थियों में से 60% चुनते हैं बायोलॉजी और 40% मैथ्स। इन अभ्यर्थियों के पास सबसे अधिक विकल्प है। बीकानेर विश्वविद्यालय कराएगी डिजिटल मूल्यांकन, इसलिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के हर प्रश्न पर दिया बार कोड। पेपर लीक और डंपी कैंडिडेट्स प्रकरणों में घिरी आरपीएससी, 4 बड़े बदलाव करने की तैयारी में आरपीएससी। अब एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड टोकन सिस्टम से इंटरव्यू होगा। दाग धोएगा आयोग, लोकसभा चुनाव के बाद लागू होगी नई व्यवस्था। नई भर्तियों में हो सकती है नई फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, इसी से होकर गुजरेगी। एसआई भर्ती 2021 लिखित परीक्षा में 67% अंक प्राप्त किए थे, इंटरव्यू में 35% अंक भी नहीं आए। आरपीएससी के इंटरव्यू में चयनित 40% एसआई डीजीपी और गृह मंत्री का नाम तक नहीं बता पाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने संग्रहण व मूल्यांकन केंद्रों का किया निरीक्षण। अजमेर इग्नू में असाइनमेंट जमा करवाने की पहल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति। एनसीईआरटी की किताबों में हुआ बड़ा बदलाव। आरपीएससी अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ही करे शुल्क का भुगतान। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। पेपर लीक से बने थानेदारों का बुरा हाल, नहीं पता डीजीपी कौन है। बीएड पाठ्यक्रम में 9 साल से नहीं बढ़ी फीस, फीस में बढ़ोतरी की गुहार। जेडब्ल्यू मेन एग्जाम एनटीए ने पकड़ा परीक्षा देते डमी कैंडिडेट्स। गलती, शिक्षा विभाग की एडमिशन से वंचित हो रहे हैं हजारों बच्चे। आरटी के तहत पिछले साल भी वंचित रहे, इस साल भी नहीं कर पा रहे आवेदन।